यदि आप भारत सरकार की सबसे अधिक प्रतिष्ठित सेवा भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS, IPS आदि में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको UPSC द्वारा प्रतिवर्ष होने वाली सिविल सेवा परीक्षा पास करनी होती है। हर साल इस परीक्षा में 5 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी भाग लेते हैं, जिनमें से रिक्तियों के अनुरूप लगभग 800 से 1000 अभ्यर्थियों का चयन होता है। अकेले दिल्ली में ही हर साल 1 से 2 लाख विद्यार्थी कोचिंग सेंटर्स में एडमिशन लेते हैं, जिन कोचिंग की फीस 1 से 2.5 लाख रुपए तक होती है। और एक आश्चर्यजनक तथ्य ये भी है कि एडमिशन के बाद 2 से 3 महीने में 50% विद्यार्थी कोचिंग अधूरी छोड़कर वापस अपने घर चले जाते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं क्यों? क्योंकि वे इस परीक्षा के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं होते, और यह तैयारी किसी पुस्तक और पत्रिका में लिखे लेख या YouTube वीडियोस देख भर लेने से नहीं आती। अब सवाल पैदा होता है कि फिर क्या किया जाए? जवाब है, आप IAS। नहीं नहीं, इसका दिल्ली की आम आदमी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। ये तो है आप यानी कि ऑथेंटिक, अकाउंटेबल और प्रोफेशनल। कभी आप ही की तरह दिल्ली में लाखों लाखों की कोचिंग की फीस ना दे सकने वाले छात्रों ने जब दिल्ली आकर तैयारी की, सिलेक्शन लिया और आज विभिन्न जगहों पर जब वो पोस्टेड है, तो जब देखा कि दिल्ली आना हर किसी के लिए संभव नहीं है, तो एक विचार उमड़ा कि कैसे गांव गरीब के छात्रों को हम मदद कर सकते हैं, कैसे गांव व दूर दराज के छात्र सिविल सेवा में पहुंच सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए एक इनिशिएटिव चालू हुआ, जिसका नाम रखा गया आप IAS। आज इस इनिशिएटिव से लगभग 4000 से ऊपर छात्र जुड़ चुके हैं, केवल और केवल YouTube पर। वहीं अगर YouTube, टेलीग्राम, फेसबुक सभी प्लेटफॉर्म्स को मिला दिया जाए, तो आज 12000 से ऊपर छात्रों को निःशुल्क गाइडेंस देने का काम कर रहा है आप IAS। हमारे ही ग्रुप से छत्तीसगढ़ PSC में निकले हुए रजनीकांत यदु जी लिखते हैं, सर आपकी गाइडेंस व रोजाना अखबार मिलने ने मेरी जर्नी को बहुत आसान बना दिया। और वास्तव में आप IAS जो सोर्सेस आप लोगों को देता है वो सबसे ऑथेंटिक होते हैं। हमारे इस इनिशिएटिव में हमने क्या किया कि गांव और दूर दराज के छात्रों को ढूंढ ढूंढ कर जो सीरियस लोग हैं उनके व्हाट्सएप, टेलीग्राम पर ग्रुप, फिर उसके बाद उन्हें ऑथेंटिक सोर्सेज से हमने अवगत कराना शुरू किया और कैसे उनसे प्रिपेयर करना है यह भी बताना शुरू किया। जब मुसीबत बढ़ने लगी कि कैसे छात्रों को समझाया जाए, तो आप IAS लेकर आ गया अपना यूट्यूब चैनल, जिसमें आप IAS ने लोगों को बताना शुरू किया कि तैयारी आखिर की कैसी जाए। शुरुआत में भले ही कठिनाई हुई हो, मगर आज आप IAS के पास पूरे देश का सबसे अनुभवी एडमिन पैनल है। हमारे पास है एक्सपर्ट्स की गाइडेंस, कुछ लोग जो क्वालिफाई कर चुके हैं, कुछ लोग जो एग्ज़ाम में अभी तक क्वालिफाई नहीं कर पाए और अपनी गलतियों से लोगों को ये बताते हैं कि उन्हें क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। तो कुल मिलाकर हमने आज एक सबसे बेहतरीन टीम तैयार कर ली है। मगर सवाल ये उठता है कि हम ये कर क्यों रहे हैं? देखिए, हम यह काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने आपकी तरह ही गरीबी देखी है और हमने भी आपकी तरह कोचिंग की फीस ना भर पाने का दुख व दंश झेला है। हम भी कभी उन्हीं गलियों से निकले हैं जहाँ गाँव की गलियों में आज आप हैं। हमने भी कभी वो हिंदू अखबार ना पहुंच पाने की कमी महसूस की है जो आज आप महसूस कर रहे होंगे। तो इसी को देखते हुए आप IAS का ये इनिशिएटिव, कल भी निशुल्क था, आज भी निशुल्क है और भविष्य में भी निशुल्क रहेगा। हमारे साथ बहुत अनुभवी लोग जुड़ते जा रहे हैं और हमारा एडमिन पैनल बहुत ही सशक्त होते जा रहा है। हम ये तो कह सकते हैं कि हम सबसे बेहतर नहीं, मगर हम ये विश्वास जरूर दिलाते हैं कि हम उन छोटे मोटे यूट्यूब छुटभैये चैनलों के जैसे नहीं, क्योंकि अपने व्यूज़ और लाइक्स के चक्कर में आदमी को कुछ भी पढ़ा देते हैं, कुछ भी बता देते हैं। हम देंगे तो ऑथेंटिक देंगे और आपको अकाउंटेबल होके प्रोफेशनल वे में पढ़ाएंगे, नहीं तो हम आपको नहीं पढ़ाएंगे। तो हमारा मकसद केवल और केवल एक ही है, पूरे देश में
ऐसे अनुभवी प्रशासक पैदा करना और गांव गांव तक सिविल सर्विस के लिए क्रांति पैदा करना, ताकि ये गांव और शहर का भेद मिटे और केवल आईएएस दिल्ली की कुछ चुनिंदा आईएएस फैक्ट्रियों से न निकलकर गांव देहात से निकले, जैसे रजनीकांत यदू जी निकले, जैसे कि अन्य लोग निकले, और गांव देहात का नाम रोशन हो। हम लोग जो हैं पूरे देश में एक ऐसा मोटिवेशनल फैक्टर पैदा करते हैं कि सारी की सारी कोचिंग्स में जाने के बजाय आदमी मेहनत पर विश्वास करे, आदमी सेल्फ स्टडी पर विश्वास करे, और विश्वास करे कि सबको सब कुछ पाने का अधिकार है, और केवल पैसों का धंधा बन चुकी सिविल सर्विस की तैयारी एक जो है अंत पर आए और सिविल सर्विस एग्ज़ाम जो है सभी के लिए सुगम हो जाए। तो अभी भी नेगेटिव कमेंट करेंगे, कुछ अभी भी हमें क्रिटिसाइज करेंगे, मगर अंततः हम यही कहना चाहेंगे कि उठो, जागो, और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। हम भले ही आज कम हैं, हम भले ही आज कुछ ही सिलेक्शन पा रहे हैं, मगर हम उन लोगों से बेहतर हैं जो दिल्ली में हजारों लाखों करोड़ों रुपए आपसे केवल और केवल ये फ्री की गाइडेंस देने के लिए ले रहे हैं। हम उनसे बेहतर हैं जो आपको हजारों करोड़ों रुपए देकर जो है कोचिंग करा रहे हैं। हमारा एक प्रयास तो है कि हम सामाजिक सुधार लाएं, कम हम उन करोड़ों लोगों में से तो नहीं जो केवल केवल यह बात जानते हैं कि हमें क्रिटिसाइज करना है, हमें निंदा करनी है। हम उन 1% लोगों में से हैं जो कि देश में बदलाव लाना चाहते हैं और उसके लिए ईमानदारी से काम कर रहे हैं। हम भले ही कुछ ही आईएएस बना पाए, हम भले ही कुछ ही सिविल सर्वेंट बना पाए, अगर हम अंत तक लगे रहेंगे और जो भी लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं अभी जुड़ जाएं और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि तमाम कोचिंग जो कि आपसे करोड़ों रुपए ऐंठते हैं उनकी आंखें खुलें और वह भी मजबूर हो जाएं आप लोगों के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट कराने को और आपको निशुल्क जो है कोचिंग देने। तो मित्रों, आइए मिलकर एक ऐसा भारत बनाएं, एक भारत बनाएं जो कि एक हो, जो कि श्रेष्ठ हो, जो कि ज्येष्ठ हो, सबसे संपन्न भारत, सर्वगुण संपन्न भारत, और सर्वगुण संपन्न प्रशासक हमारे देश को मिले। इसके लिए हम सबको आगे आने की ज़रूरत है। तो आज ही जुड़ें टीम आप आईएएस के साथ, और जो भी प्रशासक हमसे जुड़ना चाहते हैं, जो भी छात्र के रूप में जुड़ना चाहते हैं, ज़रूर बताएं। क्योंकि दोस्तों, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने को, मगर संकल्प एक ही काफ़ी है मार्ग तक जाने को। तो आज ही दृढ़ संकल्प ले लें कि आप देश में कोचिंग संस्थानों का बोलबाला बहुत हुआ, चलिए आइए एक सामाजिक क्रांति लाते हैं। आइए आप आईएएस बनाने के लिए हम आपको यानी कि दूसरों को मदद करते हैं। आप भी बनेंगे आईएएस क्योंकि अब आपके साथ है आप आईएएस। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए, मगर अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।